आइए साथ साथ मंत्रोच्चारण प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लंबे गहरे श्वास ले लें और श्वास को छोड़ते हुए मंत्र का उच्चारण प्रारंभ करते हैं। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग कथा के 42वें एपिसोड में आप सभी आत्मीय स्वजनों को दिल की गहराइयों से नमन वंदन एवं अभिनंदन। मित्रों, प्रेम अपना परवाह नहीं करता, प्रेम सदा प्रेमी का परवाह करता है, प्रेम सदा जिसके प्रति हमारे मन में वह उत्पन्न हुआ उसके प्रति अपने को समर्पित कर देता है। प्रेम सदा मन में एक ही भाव उत्पन्न कर देता है कि तेरा क्या होगा, मेरा क्या हुआ होगा। यह भाव कभी भी प्रेम जगाता नहीं। संस्कृति के प्रति प्रेम उत्पन्न हो तो व्यक्ति यही सोचने लगेगा हर पल हर क्षण कि संस्कृति का क्या होगा। राष्ट्र के प्रति जब प्रेम मन में उत्पन्न होगा व्यक्ति यही सोचने लगेगा कि राष्ट्र का क्या होगा, कैसे मेरा राष्ट्र सफल हो, कैसे मेरा राष्ट्र सशक्त हो, कैसे मेरा राष्ट्र समृद्ध हो, आदर्श हो। ऐसे ही जब प्रेम जीवन के प्रति उत्पन्न होगा व्यक्ति यही सोचने लगेगा कि जीवन दिव्य कैसे बने, कैसे इसमें देवत्व अवतरित हो, कैसे यह सफल बने, कैसे इसका मकसद पूर्ण हो। व्यक्ति जीवन को संवारने लगेगा, जीवन को निरंतर ऊपर उठाने लगेगा और ऊपर और ऊपर और ऊपर। ऐसे ही जब प्रेम माता पिता के प्रति हो
या बच्चों के प्रति हो, या भाई बहन के प्रति हो, या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, किसी के भी प्रति जब उत्पन्न होगा, व्यक्ति सब कुछ लुटा देगा। या यूं कहिए कि जैसे ही किसी के मन में किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, वहां पर व्यक्ति को स्वयं नहीं दिखाई देता, बस जो सामने वाला है वो दिखाई देता है, बस वो ही देखता है। वह उस अवस्था में दर्पण में देखने वाला नहीं होगा, बस दर्पण ही होगा। आप कल्पना कर सकते हो उस स्थिति को, जब आप दर्पण पे देख रहे हो, जब आप ऐना पे देख रहे हो, जब आप शीशे पे देख रहे हो, तो आपको पता होता है कि मैं देख रहा हूं, आपको पता होता है कि शीशा अलग है, मैं अलग हूं। आप तिलक लगा रहे होंगे तो उस समय आपको पता चलेगा कि ये मेरा शरीर है, मैं लगा रहा हूं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप शीशे में कुछ लगा दें। क्यों? क्योंकि उस समय द्वैत की स्थिति है, दो की स्थिति है। लेकिन जब प्रेम उत्पन्न होगा, उस अवस्था में मैं ही शीशा बन जाता हूं, शीशा मैं बन जाता है, दर्पण ही मैं बन जाता हूं, मैं ही दर्पण बन जाता हूं। वहां पर दो का अस्तित्व नहीं होगा, बस एक का अस्तित्व होगा, वह सामने वाले का अस्तित्व होगा। जब भक्त भगवान से प्रेम क्रीड़ा करने लगता है, जब भक्त के मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, उस अवस्था में भक्त बस एक ही बात कहेगा कि प्रभु, प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। वहां पर अपनी इच्छा नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन प्रकारांतर से कल्याण तो जीवात्मा का ही होगा, भक्त का ही होगा। कैसे? क्योंकि भगवान की एक ही इच्छा है, जिसको स्वाभाविक इच्छा कहते हैं, वह है जीवात्मा का कल्याण हो। जब मैं कहूं कि प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, तो इसका मतलब कि प्रभु तू जो मेरा कल्याण करना चाह रहा है वह पूर्ण हो। ऋषि दयानंद ने इसलिए यह बात कही थी अपने अंतिम समय में कि भगवान तेरी इच्छा पूर्ण हो, प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। बहुत सारे लोगों ने क्या समझा कि अच्छा है, ईश्वर की इच्छा तो होती है, ईश्वर की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। महर्षि दयानंद ने भी इस बात को स्वीकार किया, नहीं नहीं ऐसा नहीं। इतनी ऊंची विद्या में जीने वाला व्यक्ति, इतने उन्नत ज्ञान से युक्त व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कह सकता कि उसके इच्छा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। परमात्मा को इच्छा करके बैठा रहता है क्या? परमात्मा की इच्छा से कोई चोरी करने लगता है क्या? परमात्मा की इच्छा से कोई व्यभिचार करता है क्या? परमात्मा की इच्छा से कोई दूसरों को ठगता है क्या? परमात्मा की इच्छा से कोई दूसरे को केवल कंधे बनाता है क्या? परमात्मा की इच्छा से कोई दूसरे को दूसरे के कंधे चढ़ करके सफलता के शिखर को छूने को सोचता है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। परमात्मा ऐसी इच्छा कभी नहीं करता। परमात्मा की बस एक ही इच्छा है, उसकी स्वाभाविक इच्छा वह है जीवात्मा का कल्याण हो, जीवात्मा की उन्नति हो, जीवात्मा को सुख की प्राप्ति हो, जीवात्मा मुझको प्राप्त हो। इसलिए जीवात्मा जब ईश्वर के प्रति उसके प्रेम में अनुरक्त हो जाता है, उसके प्रेम में खो जाता है, बस यही कहता है कि प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, प्रभु तेरी मर्जी, प्रभु जो जो तू चाहे बस वही हो, बस वही हो, यही जीवात्मा निरंतर कहता रहता है। वेद के एक मंत्र में जीवात्मा यही बात कहता है ईश्वर से कि प्रभु तू मैं बन जा, मैं तू बन जाऊं, या तो तू मैं बन जा या मैं तू बन जा, या तो मैं तू बन जाऊं या तो तू मैं बन जा। यानी कि
बस एक ही हो दो ना हो, एक ही हो दो ना हो। आप लोगों का भी ऐसा अनुभव होगा, जब किसी के प्रति हमारे मन में प्रेम उत्पन्न होता है तो उस अवस्था में बस वहां पर यही विचार निरंतर मन में उठ रहा होता है कि कैसे उसको ऊपर उठाया जाए, कैसे उसको उन्नति के शिखर पर चढ़ाया जाए, कैसे उसका कल्याण हो, कैसे उसका कल्याण हो, मैं क्या कुछ करूं जिससे कि उसका कल्याण हो। हम लोग अहर्निश बस उसी सोच में लगे रहते हैं, बस हम उसके लिए ही जी रहे होते हैं, हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं बस उसी के लिए होता है, हमारा श्वास भी उसके नाम का जप कर रहा होगा। तो मेरे मित्रों, कि प्रेम कभी भी अपना कल्याण नहीं सोच रहा होता है, प्रेम कभी भी अपना सुख सोच नहीं रहा होता है, क्योंकि प्रेम की उत्पत्ति होना ही सुख की लब्धि होना है, प्रेम का प्रकट होना ही उन्नति के शिखर को छू लेना है। प्रेम उत्पन्न हो गया बस इससे बढ़कर उपलब्धि कुछ भी नहीं होगी। प्रेम व्यक्ति को दुखी नहीं बनाता, प्रेम व्यक्ति को तृप्त कर देता है, प्रेम व्यक्ति के अंदर वो भाव उत्पन्न कर देता है कि वो हंस हंस कर अपने को बलि देने के लिए भी पीछे नहीं हटता। प्रेम बलिदान का नाम है, प्रेम वह दीवानगी है जिसमें जिसमें वह अपने अस्तित्व को मिटा डालता है, बस एक ही का अस्तित्व रहता है। प्रेम को कभी भी दो के अस्तित्व स्वीकार नहीं होता, प्रेम को सदा एक ही स्वीकार्य होता है, बस एक ही होता है, एक ही होता है। और जब यह प्रेम पूर्ण रूप में प्रस्फुटित होता है तो वहां पर न प्रेमी होगा न प्रेमिका होगी, बस ईश्वर होगा, और ईश्वर की जो इच्छा है जीवात्मा के कल्याण होना वह पूर्ण हो रहा होगा। तो मित्रों, प्रेम सदा अपने प्रेमी के सुख के लिए जी रहा होगा, उसका सुख ही उसका सुख होगा, उसकी उन्नति ही उसकी उन्नति होगी, उसका कल्याण ही उसका कल्याण होगा। एक कहानी याद आ रही मुझे, एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका से बहुत गहराई में डूब चुका था। प्रेम जब गहरा हो जाता हो वहां पर विवाह घटित भी हो सकता है, लेकिन ऐसा लगभग लगभग असंभव होता है कि विवाह हो और प्रेम प्रकट हो, सब बहुत कम होता है, कहीं कहीं रेयरली होता होगा लेकिन जनरली नहीं होता, वहां पर समझौता होता है, समझौता भी जी होता है, लेकिन प्रेम गहरा हो तो वहां पर विवाह भी हो सकता है, क्योंकि छूटेंगे नहीं, एक ही रहेंगे। तो उनकी भी शादी हो जाती है, दोनों साथ रहने लगते हैं, प्रेमी भी बड़ा खूबसूरत था, प्रेमिका भी बड़ी खूबसूरत थी, दोनों बड़े सुंदर बड़े अच्छे लगते थे, गोरे गोरे एकदम बढ़िया, है ना, गुण कर्म स्वभाव भी समान होता था। हाँ, ये एक बात और ख्याल आ रहा है कि प्रेम जहां प्रकट होगा वहां पर या तो दोनों का गुण कर्म स्वभाव समान होगा या समान बनेंगे। प्रेम तो वह पारस है जो दूसरे को भी, पत्थर को भी हीरा बना देता है, वह पारसमणि है। यानी कि प्रेम जहां उत्पन्न हो वहां पर एक की उन्नति हो दूसरे की अवनति हो ऐसा हो ही नहीं सकता, दूसरे की उन्नति दोनों की उन्नति हो रही होती है, एक का उठना ही दूसरे का उठना होता है,
एक का जगना ही दूसरे का जगना हो जाता है। प्रेम साथ साथ उठाता है। प्रेम तब तक शांत नहीं होता है जब तक अपने प्रेमी का स्तर भी उतना ही ना हो। जैसे स्तर समान हो गया उस अवस्था में फिर वहां पर ईश्वर प्रकट होता है, दोनों ईश्वरीय भाव में जाने लगते हैं, वहां पर दिव्य चेतना का अवतरण हो जाता है। हाँ, मैं कह रहा था कि समान गुण कर्म स्वभाव वालों के बीच में प्रेम उत्पन्न होता है। ईश्वर के प्रति भी हमारे मन में बहुत प्रेम उत्पन्न होता है, क्यों पता है? क्योंकि उसके गुण कर्म स्वभाव से हमारे गुण कर्म स्वभाव सर्वाधिक मैच करता है। लोगों के साथ हमारे गुण कर्म स्वभाव सभी के साथ समान रूप में मैच कर इतना नहीं सकता, लेकिन हमारे जितने भी जो श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव है वह ईश्वर के साथ मैच करता है। ईश्वर में भी ज्ञान है, हम में भी ज्ञान है। ईश्वर भी चेतन है, हम भी चेतन है, है ना? लेकिन प्रकृति जड़ है, हम चेतन है। प्रकृति अज्ञ है, प्रकृति में कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए जैसे व्यक्ति के मन में प्रेम उत्पन्न हो वह व्यक्ति ईश्वर अभिमुख हो जाता है, वह व्यक्ति पदार्थ की ओर उन्मुख नहीं होता। जिसके मन में पदार्थ के प्रति राग हो उसके मन में प्रभु के प्रति अनुराग कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। या तो पदार्थ के प्रति राग उत्पन्न होगा या प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, ये दो के अतिरिक्त कोई तीसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। जिसको प्रभु से प्रेम हो, जिसको ईश्वर से प्यार हो, जिसके मन में वह लगन लग गई हो, वह धुन जिसके अंदर बजने लग गया हो, वह व्यक्ति भला पदार्थों की ओर उन्मुख होगा क्या? तो मित्रों, जो पदार्थ की ओर बहुत ज्यादा उन्मुख है, समझना होगा कि वो अभी प्रभु से बहुत दूर है, प्रभु से कोसों दूर है। अभी पदार्थ में ही वो अपना हित समझ रहा है, अभी पदार्थ से जुड़ना चाहता है, अभी पदार्थ में ही सुख ढूंढ रहा है। तो जो सुख के स्रोत है, जो सुख का कारण है प्रभु, वह तो उसे पीछे छूट चुका होता है। खैर, मैं कह रहा था कि उन दोनों के गुण कर्म स्वभाव भी समान थे, दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे, यानी कि एक के मन में दूसरे के प्रति, दूसरे के मन में एक के प्रति पहले के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा था। जैसे परिवार में भी जब एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो तो क्या उस परिवार में कोई ऐसा कहेगा कि ये काम तुम करो, ये काम तुम करो? वहां पर एक एक भाव जगेगा कि ये काम मैं करूंगा, ये काम मैं करूंगा, ये काम मैं करूंगा। क्या वहां पर कोई व्यक्ति सोचेगा ये काम इसका, ये काम इसका, ये काम ये करेगा, ये काम वो करेगा? सोचेगा नहीं। व्यक्ति सोचेगा कि चाहे ये करे या चाहे मैं करूं, बस काम होना चाहिए, काम में लग जाएगा। सही है ना? तो ये स्थिति जग जाती है, यानी कि वहां पर व्यक्ति अपना ध्यान नहीं रख रहा होता है, वहां सामने वाले का ध्यान रख रहा होता है। ये होता है प्रेम। तो वहां भी दोनों के बीच में बड़ा अद्भुत प्रेम था, यानी कि प्रेम होता ही अद्भुत है। और हमेशा एक दूसरे का केयर कर रहे होते थे। मैंने पहले कहा दोनों खूबसूरत थे, लेकिन अचानक प्रेमिका को स्किन डिजीज प्रारंभ हो जाता है, उनके उनको चर्म रोग हो जाता है, स्किन में धब्बे पड़ने लग जाते हैं, तरह तरह की विकृतियां उत्पन्न होने लग जाती है। अब वो बहुत दुखी होती है, उसके मन में विचार आता है कि
मेरे प्रेमी को मेरी इस स्थिति को देखकर कितना दुख होगा। अभी तो शरीर के अंदर ही ये स्थिति है, जब ये स्थिति बाहर फैल जाएगी तो वो कितने दुखी होंगे। उसको अपने दुख की कोई चिंता नहीं है, बस अपने प्रेमी के दुख की चिंता है। यही होता है प्रेम में। प्रेम में अपनी चिंता नहीं, दूसरे की चिंता होती है। और जहां प्रेम का अभाव होता है वहां पर दूसरे की नहीं अपनी चिंता होगी, मेरा क्या होगा, बस मेरा क्या होगा, है ना। तो वो दुखी हो ही रही होती है। एक दिन पति ऑफिस गया हुआ था, लौटते वक्त अचानक कॉल आता है कि उसकी एक्सीडेंट हो गई। बस तो जाता है लेकिन दुर्भाग्यवश उसके दोनों आंखों की ज्योति चली जाती है। पत्नी बहुत दुखी होती है कि उसकी दोनों आंखों की ज्योति चली गई। लेकिन मित्रों, धीरे धीरे पत्नी के शरीर में भी चर्मरोग फैलता जाता है, पूरा शरीर रोग से ग्रस्त हो जाता है। बहुत सारे उपचार कराने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाता है। और पति का भी देखभाल कर रही होती है, अपना भी ध्यान रख रही होती है। और अचानक एक दिन चर्म रोग के कारण ही उसे कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर, और पत्नी का देहांत हो जाता है। जैसे ही पत्नी की अंत्येष्टि संस्कार हो जाता है, उस व्यक्ति का जो मित्र था, उस अंधे का जो मित्र था, वह उससे गले लगता है, खूब रोता है, उसके गाल को अपने हाथों से स्पर्श करता है और कहता है कि मित्र, अब तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, अब तक तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारा ध्यान रख रही थी, अब तक तो वो तुम्हारा ख्याल रखती थी, तुम्हारा केयर करती थी, लेकिन न तो तुम लोगों के कोई बच्चे हैं, वह मर गई, तुम आंखें देखते नहीं हो, अब तुम्हारा जीवन कैसे कटेगा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। वह व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं मित्र, नहीं, मेरी आंखों की ज्योति चली नहीं गई थी, मैं तो बस एक नाटक रच रहा था, मैंने अपनी पत्नी के पूरे सौंदर्य को भी देखा और उसकी क्रूरता को भी देखा, बस मैं ये नाटक इसलिए रच रहा था कि कहीं उसको यह ना लगे कि मेरे पति की आंखें हैं, वह मुझे देख पाता है। जब उसे यह बात समझ में आ जाती तो वह बहुत दुखी हो जाती, बहुत दुखी हो जाती, क्योंकि वह कुरूप बनती जा रही थी, वह ऐसा सोचती थी। तो इसलिए मैंने एक नाटक रचा अंधे होने का, मेरी आंखें ठीक है, ना ही मेरी कोई बड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, सामान्य ऐसी कोई घटना हुई थी, कुछ भी नहीं हुई मेरे आंखों में, बस मैं उसकी खुशी के लिए ये कर रहा था। मेरे को पता था उसे स्किन कैंसर है, मुझे पता था बहुत जल्दी वो मरने वाली है, लेकिन मैं चाहता था वह हंसते हंसते इस तरह से चली जाए, मैं चाहता था कि वह उतने दुखी ना हो जितना दुखी मेरी आंखें होने पर होती थी, क्योंकि उसको यही लगता था कि मेरे पति को दुख हो रहा है, लेकिन कम से कम उसने यह तो नहीं सोची कि मेरे पति को दुख हो रहा है। तो मित्रों, प्रेम त्याग का नाम है, प्रेम बलिदान का नाम है, प्रेम दूसरे की खुशी का परवाह करता है, दूसरे कैसे खुश रहे, दूसरे को कभी दुख ना हो, यह भाव प्रेम जगाता है। ऐसे एक कहानी और मुझे याद आ रही है,
एक सतीश नाम का लड़का था, मात्र 32 साल का था, डॉक्टर बन गया था, शादी नहीं हुई थी। उसकी मां ने उसे उसके पिताजी के देहांत के बाद बड़े कष्ट से उसका पालन पोषण किया, उसे पढ़ाया लिखाया और उसे एक योग्य डॉक्टर बनाया। वह सारी बातें जानता था। दोनों माँ बेटे रहते थे, दिन अच्छे से गुजर रहे थे। बेटा भी शहर का बड़ा प्रतिष्ठित डॉक्टर था। और एक दिन बेटा अचानक माँ से कहता है कि माँ, मुझे यूएस जाना पड़ रहा है, अमेरिका जाना पड़ रहा है। मैं जब तक यूएस से लौट के ना आऊं तब तक आप, मैं आपको कहीं रख दूंगा किसी आश्रम पे, आप तब तक वहां पर रहिए, क्योंकि आप अकेली रहोगी तो मुझे चिंता होगी, आप वहां पर रहोगी तो बहुत सारे और लोग भी रहेंगे, आपका दिन अच्छे तरह से कटेगा, वैसे भी आप वृद्धावस्था की ओर हो। वहां पर मैं सारी व्यवस्था आपकी करके जा रहा हूं और जैसे मैं लौटूंगा फिर हम दोनों घर पे रहेंगे। माँ ने पहले तो एक बार ना कह दिया, फिर भी बेटे के आग्रह पर उसने हाँ कह दिया, क्योंकि प्रत्येक माँ यही सोचती है कि मेरा बेटा मेरे विषय में सबसे अच्छा सोचेगा। धरती में कोई भी ऐसी माँ नहीं होगी जिसको अपने बेटे पर संदेह हो। हर माँ को अपने बेटे पर भरोसा होता है, चाहे वह बेटा उसको महल के अंदर रखे, चाहे वह बेटा उसको झोपड़ी में रखे, चाहे वह बेटा उसका ध्यान रखे, चाहे वह बेटा उसको किसी वृद्धाश्रम में, किसी अनाथ आश्रम में ले जाकर के धकेल दे, फेंक दे, तब भी माँ यही सोचेगी कि मेरा बेटा मुझसे सबसे अधिक प्यार करता है, मेरा बेटा मेरा सबसे अधिक ख्याल रखता है। माँ को अपने बेटे पर कभी भी संदेह उत्पन्न नहीं होता। एक माँ थी, ही शिवालिक नगर की घटना है, हरिद्वार में ही है एक जगह। माँ के पास मैं भी जाया करता था बीच बीच में। उनका एकमात्र लड़का था, थोड़ी सी बदमाश की प्रवृत्ति वाला था, तो कभी कभी कोई बात कहनी हो तो माँ एक बात जरूर कहती थी, कहती थी कि आचार्य जी आप इस पर पूरा भरोसा कर सकते हो। मैं पूछता था कि माँ आप ये बात कैसे कह रहे हो, तो कहती थी ये मेरा बेटा है, यह मेरा बेटा है, यह मेरा खून है, मुझे इस पर पूरा भरोसा है, ये अच्छा करेगा, आप इस पर भरोसा करो। हमेशा उसने कई बार ये बातें कही। लेकिन मित्रों, कई बार व्यक्ति अच्छा संस्कार मिलने के बावजूद भी जब संगत बिगड़ जाता है तो उस अवस्था में फिर गलत राह की ओर बढ़ जाता है। ऐसे ही उस भाई की भी स्थिति थी, क्योंकि कई बार संस्कार से भी प्रबल बन जाता है संगत। इसलिए बुद्ध ने भी इस बात को कही थी कि संसार में तुम भले ही अकेले रहना, तुम भले ही जिस तरह से जंगल में गैंडा अकेले ही चलता है, तुम भी अकेले ही चलना, लेकिन गलत आदमी की संगत कभी मत करना, क्योंकि आदमी की बर्बादी की कहानी कुसंगत से ही शुरू होती है। तो उसकी भी स्थिति वही थी कि बार बार वह किसी न किसी तरह का धोखा देता था, आदि आदि। खैर, मैं बात कर रहा था कि वह डॉक्टर अपनी माँ को कहता है कि माँ आप आश्रम में रहो जब तक मैं यूएस से लौट के ना आऊं। अब माँ को कोई चिंता नहीं हो रही है, देखो कितने गजब की बात, बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ने जा रहा है, लेकिन माँ को कोई चिंता नहीं है कि अब वह घर से निकल करके वृद्धाश्रम पहुंच रही है, उसको खुशी है कि मेरा बेटा यूएस जा रहा है। ये है माँ, ऐसी होती है माँ। माँ का दूसरा नाम
प्रेमा है। माँ का दूसरा नाम प्रेम है, वह प्रेम मूर्ति होती है, बस प्रेम में ही जीती है। तो मित्रों, वह ले जा करके वृद्धाश्रम में माँ को छोड़ देता है और वहां के जो डायरेक्टर है उनको भी कहता है कि मेरी माँ का बहुत अच्छी तरह से देखभाल करना। तो वो लोग भी बड़ा आश्वस्त कर देते कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं सतीश जी, आप वो करके आ जाओ, फिर अपने माँ को लेके जाना, हम पूरा ध्यान रखेंगे। तो माँ रहने लगती है और कुछ दिनों के बाद, क्योंकि वृद्धाश्रम में और भी बहुत सारी माताएं थी, बहुत सारे बुजुर्ग थे, तो लोग कहते हैं कि आपका बेटा तो बहुत जल्दी आने वाला था, अभी तो 2 महीने हो गए अभी तक नहीं आया, हमें तो लगता है कि बस उसको आपको घर से निकाल देना था इसलिए उसने बाहर जाने का बहाना बनाया, और लगता है कि वो कहीं भी नहीं गया होगा। अच्छा, यदि उसको बाहर होकर के आना ही था तो आपको वहीं आसपास में कहीं रख देता, तो आपको पता नहीं आप कहाँ की रहने वाली थी और आपको कहाँ किस वीरान जगह पर ले आकर के छोड़ दिया, जिस घर पे आप अकेले लौट करके भी नहीं जा सकती हो। तो इसका मतलब वह कुछ चालाक था। फिर भी माँ कहती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वह फोन मिलाती थी, उधर से बेटे की आवाज आती थी कि माँ अभी मैं US में ही हूं, कुछ दिनों में लौटूंगा, लौटते मैं आपको ले जाऊंगा और हम लोग साथ साथ घर पे रहेंगे। फोन काट देता था। हर महीने 2 महीने में माँ कॉल करती थी, यही आवाज उधर से आती थी। लोग कहने लगे कि शायद कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड रखा होगा, है ना, घर पे इसलिए मौज मस्ती में लगे होंगे, इसलिए आपको यहाँ ले आकर के छोड़ दिया, बहुत चालाक निकला है आपका लड़का। मानने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन करते करते मित्रों, हर 2 महीने में फोन करती थी, उधर से वही आवाज आती थी। फिर करते करते 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, बेटा नहीं आया। एक दिन, क्योंकि वृद्धावस्था की ओर माँ थी ही, तो वह काल कवलित हो जाती है, उनका भी देहावसान हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त होती है। उसके बाद आश्रम के सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सारे लोग आश्रम के डायरेक्टर से कहते हैं कि उसका बेटा पक्का यहीं कहीं होना चाहिए, उसका पता लगाओ, उसे ढूंढो। और इनके अंत्येष्टि संस्कार में तो उसे शामिल कर दो, कैसा कपूत रहा होगा वो अपनी मां को, जो उसके ऊपर इतना भरोसा करती थी, इतना विश्वास करती थी, उसको इस तरह से आश्रम में, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, आदि आदि बातें करने लगते हैं। उसी समय आश्रम के जो डायरेक्टर हैं, वे आंखों से आंसू बहाते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, इस माता के बेटे की 2 साल पहले मौत हो चुकी है। सारे लोग एकदम चौंक जाते हैं कि कैसे 2 साल पहले मौत हो गई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर फोन पे तो बात करती थी हर 2 महीने में, वो क्या था? तो डायरेक्टर साहब कहते हैं कि फोन पे बात करने वाला व्यक्ति मैं था, उसके रिकॉर्डेड आवाज को मैं फोन पे सुना दिया करता था। जैसे यहां से कॉल करती थी, उसका नंबर मेरे पास भी रखा हुआ होता था, तो मैं फिर उस रिकॉर्डेड आवाज को सुना दिया करता था और काट दिया करता था। लोग पूछते कि ऐसा क्यों किया तुमने? फिर वह बेटा ऐसा नालायक क्यों निकला कि चलो दोस्त अपने पास में रख लेता पहले, तो क्यों उसकी मौत कैसे हो गई, कहां बाहर ही मौत हो गई? तो फिर वो कहते कि नहीं नहीं, वह डॉक्टर था, फिर भी उसे ब्लड कैंसर हुआ था और उसको पता था कि बहुत जल्दी उसकी मौत होने वाली थी, और उसको यह भी पता था कि ब्लड कैंसर में जो मौत होती है बहुत दर्दनाक स्थिति में व्यक्ति की होती है, मसूड़ों से भी खून टपक रहा होता है, मुख से भी खून निकल रहा होता है, पूरा शरीर भी पट 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 करके उससे भी खून निकल रहे होते हैं, यह सब उसे पता था। और उसको इस बात की चिंता थी कि मेरी इस हालत को देख करके मेरी माँ कितने दुखी होगी, मेरी माँ कितने परेशान होंगी,
इसलिए उसने पहले ही अपनी सारी बातें मुझे बता दी थी और मुझे ये कहा था कि जब तक मेरी माँ जिंदा रहे इनका बहुत देखभाल करना, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, और उसके बाद मेरे जितने भी जो संपत्ति है, जो कुछ भी है, सब कुछ आश्रम के नाम पर ही मैं करके देता हूँ। उसने अपने पेपर में साइन करके भी दिया, ये सब कुछ आश्रम के लिए रखना, और जो है और मेरी माँ की अंत्येष्ट संस्कार बहुत अच्छे तरह से करना। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अपनी माँ को कभी भी दुखी होता हुआ नहीं देख सकता हूँ, ऐसा उसने कहा था। जैसे डायरेक्टर साहब इस बात को सुनाते ही सबकी आंखें नम हो जाती है। और मित्रों, उस आश्रम में उस दिन जो भी लोग अपने माता पिता से मिलने के लिए आए थे, जो भी अपने माता पिता को किसी को छोड़ने के लिए आए थे, वे भी जब इस घटना को सुनते हैं तो सब लोग अपने माता पिता के चरणों में गिर जाते हैं और अपने माता पिता से क्षमा मांगते हैं अपने भूल के लिए। माँ पिता, हमने आपका सम्मान नहीं किया, हमने आपका अपमान किया, आपके त्याग व बलिदान के प्रति हमारे मन में कोई कृतज्ञता का भाव, प्रेम का भाव उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए हम आपको यहाँ छोड़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमें माफ कीजिए, आज से आप लोग वृद्धाश्रम में नहीं, आप लोग घर पर ही रहेंगे, आप लोग हमारे साथ रहेंगे नहीं, हम लोग आप लोगों के साथ रहेंगे। ऐसा करके बहुत सारे लोग अपने माता पिताओं को लेकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। तो मित्रों, मैं कह रहा था कि प्रेम अपनी चिंता नहीं करता, प्रेम सामने वाले की चिंता करता है, प्रेम मांगता नहीं, प्रेम देता है, प्रेम अपेक्षा नहीं करता, प्रेम समर्पित हो जाता है। समर्पण ही प्रेम का दूसरा नाम है। प्रेमी के प्रति, प्रेमिका के प्रति, जिसके भी प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ हो, उसके प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण बलिदान, पूर्णतः अपने आप को न्योछावर करना, यही प्रेम का स्वरूप होता है, यही प्रेम की प्रकृति होती है। आप सबके हृदय में भी प्रेम उत्पन्न हो, किसी भी माता पिता को अपने घर छोड़ करके कहीं जाना ना पड़े, किसी भी माता पिता को अपने ही बच्चों से उपेक्षित होना ना पड़े, हर एक बच्चों के मन में भी माता पिता के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो, सब अपने माता पिता की इज्जत करें और अपना भी जीवन धन्य बनाए, माता पिता के जीवन को भी धन्य बनने दें, सभी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो, मेरी शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।